hello friends this is pavan chaudhary welcome to an academy i hope lecture is live गुड आफ्टरनून चल रहा है ना ठीक है सो so, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे राजा राम मोहन रॉय ये सीरीज चल रही यूनिट नंबर वन की जहां पे यूनिट नंबर वन के कई सारे इम्पोर्टेंट अरे भाई एक मिनट। यूनिट नंबर वन के कई सारे जो जितने भी थिंकर्स हैं उन सभी थिंकर को हम लोग इस सीरीज के माध्यम से पढ़ाने वाले हैं मेरी कोशिश ये है कि मैं पूरा पेपर नंबर फोर जो है वो आपको यूट्यूब के माध्यम से ही पढ़ाऊं लेकिन उसके लिए बस मुझे आप लोगों का जो सपोर्ट है उस सपोर्ट की जरूरत है तो जैसे जैसे YouTube क्लासेस के जो लेक्चर हैं उनके व्यूज बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नए लेक्स यहां पर आपको आते जाएंगे ना हम लोगों ने जो टारगेट है वो टारगेट रखा है कि हर लेक्चर पे कम से कम 10,000 जो व्यूज है दस हजार व्यू यहां पर आपको आ जाए अब अभी तक कौन कौन से लेक्चर्स यूनिट इस यूनिट के अंदर आपको हो चुके हैं तो उन यूनिट्स की अगर मैं बात बताऊं आपको तो अरे यार एक मिनट थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो रहा है बारिश होती है ना तो सिस्टम थोड़ा सा आ, ये स्क्रीन डल हो जाती है ठीक है अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक हम लोग पेपर फोर की स्टडीजी पढ़ चुके हैं पहला लेक्चर था फिर हम कबीरदास जी के बारे में तुलसीदास जी के बारे में आचार्य शंकर के बारे में और चारवाक के बारे में इनके बारे में पढ़ चुके हैं तुलसीदास जी का लेक्चर कल या परसों में पब्लिश प्रीमियर हो जाएगा रिकॉर्ड करके मैंने डाल दिया था लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण वो पब्लिश नहीं हो पाया तो कल या परसों में तुलसीदास जी वाला जो है वो लेक्चर भी आपको प्रीमियर हो जाएगा ठीक है आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राजा राम रॉय उसके बाद कल के लेक्चर में हम लोग गुरु नानक देव जी और जितने भी तमाम बचे हुए हैं वो सब लोग हम करने वाले हैं तो पहले इंडियन फिलोसोफर्स पहले इंडियन फिलोसोफर्स होंगे और उसके बाद जो यूरोपियन फिलोसोफर्स हैं सोक्रेटिस प्लेटो और इस टोटल की टॉपिक आप होंगे तो पंद्रह तारीख तक, तक आपकी ये जो यूनिट नंबर वन है नंबर वन आपकी कंप्लीट हो जाएगी एंड इट डिपेंड कि आप लोगों का रिस्पॉन्स यहां पर आपको कितना है उस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे ठीक है क्योंकि वैसे भी अगर देखा जाए तो मेन्स के टॉपिक में इतना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आता जितना प्री के टॉपिक्स में आता है क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो प्री के लिए ही प्रिपेयर करते हैं है ना वो तो मेन्स के लिए प्रिपेयर नहीं करते हैं तो इसलिए इसमें थोड़ा सा जो व्यूज वगैरह हैं वो काफ़ी कम आते हैं और उसके बाद जो आ, स्टूडेंट है वो लाइव भी काफी कम यहाँ पर आपको ज्वाइन करते हैं ठीक है ओके अब राजा राम मोहन रॉय के बारे में हम बात करें या इनकी फिलॉसफी के बारे में बात करें तो ही वॉज कॉल्ड द पाइनियर ऑफ इंडियन रेनेसेंस भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहा है जाते हैं पुनर्जागरण के फादर कहा जाते हैं अब जो टर्म है रेनेसेंस या पुनर्जागरण जिसको मैं बोल रहा हूं तो ये एक्चुअली जो यूरोपियन फिलोसोफर्स आए विदेशी जो फिलोसोफर्स आए स्पेशली यूरोप के फिलोसोफर्स आए तो उन्होंने जब इंडिया का इतिहास वगैरह चीजें लिखी और आगे जब मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह लिखी गई तो उस समय उन्होंने बोला कि दिस इज रेनेसेंस रेनेसेंस मतलब होता है पुनर्जागरण अब जागता कौन है जो व्यक्ति सोता है है ना और इंडियन फिलोसॉफी या भारतीय साहित्य जो है या भारतीय जो फिलोसॉफी है वो कभी सोई नहीं चाहे वो एंशेंट हो मिडिवल हो मॉडर्न हो अकबर जैसे या जहांगीर

फ्रॉम द एशियंट और मिडिवल दोनों पीरियड के अंदर भारत के अंदर रेनेसेंस जो है वो रेनेसेंस की जरूरत नहीं थी रेनेसेंस जो वर्ड है वो एक्चुअली यूरोप से आपको आया जहाँ पर यूरोप के अंदर फोर्टीन और फिफ्टीन सेंचुरी में रेनेसेंस पुनर्जागरण हुआ जहां पर रोनम रोमन अम्पायर जैसे साम्राज्य जब खत्म हुए तो उसके बाद एक नए तरीके के साइंटिफिक एक नई तरीके की एक सोशल थिंकिंग नई तरीके की इकोनॉमिक थिंकिंग वहां पर आपको डेवलप हुई और उसी नई थिंकिंग को उन्होंने रेनेसेंस या पुनर्जागरण आपको कहा लेकिन भारत के रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो भारत के रिस्पेक्ट में धीरे धीरे जब फ्रॉम द टाइम ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिजम और फिर मिडिवल पीरियड और फिर अर्ली मॉडर्न पीरियड तो वहां पर धीरे धीरे धर्म में कई सारी कुरूतियां धर्म के अंदर कई सारे सोशल टैबोज यहाँ पर आपको डेवलप होने लग गए जैसे कुछ सोशल टैबोज में आपको बताऊं तो सती प्रथा है ठीक है सती प्रथा के अलावा चाइल्ड uh, मैरिज है बाल विवाह है बाल विवाह जो है वो तो सभी समाजों के अंदर एक समस्या रही है भारत के अंदर अभी भी ये समस्या चाइल्ड मैरिज की या आपके बाल विवाह की समस्या यहाँ पर आपको है या आपके जो कर्मकांड या पूजा पाठ है तो कर्मकांड के इंपोर्टेंस की यहाँ पर आपको बात है कि कर्मकांड या जो पूजा पाठ है तो उसका इंपॉर्टेंस या उसके जो प्रेशराइजेशन की यहाँ पर आपको थिंकिंग है जैसे कई सारी भारतीय समाज के अंदर पर आपको रही या बोल सकते हैं ब्राह्मणवाद की समस्या यहाँ पर आपको रही कि जो ब्राह्मण है वही पूजा करेगा या मूर्ति पूजा की समस्या तो देखो मूर्ति पूजा सबका अपना अपना सोच यहां पर है मैं राजा राम मोहन रॉय के कंसेप्ट में यहां पर आपको बात कर रहा हूं तो इनके हिसाब से आप देखोगे जो आइडल वर्शिप है या जो मूर्ति पूजा है वो एक समय समस्या थी इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू मी एंड यू इट इज अकॉर्डिंग टू राजा राम मोहन रॉय है आइडल वर्शिप दो नो ठीक है आप भगवान को किसी भी रूप में भगवान की पूजा कर सकते हैं फोटो के रूप में कर सकते हैं मूर्ति के रूप में कर सकते हैं उनका ध्यान लगा के कर सकते हैं बस भगवान से जुड़ना है आपको ठीक है तो आइडल वर्शिप या मूर्ति पूजा यहां पर आपको हो गई या विडो रिमेरिज हो गई विधवा पुनर्विवाह यहां पर आपको हो गया ठीक है तो या आपकी जो पॉलीगेमी है तो पॉलीगेमी यहां पर आपको होगी जिसको हम बोलते हैं हिंदी के अंदर बहुविवाह तो ऐसे कई प्रकार की जो समस्याएं हैं वो अर्ली जो मॉडर्न पीरियड था आधुनिक मॉडर्न पीरियड आधुनिक मॉडर्न पीरियड मतलब मैं बात कर रहा हूं एटीन सेंचुरी की अठवीं शताब्दी का जो सेकंड हाफ था या नाइनटीन सेंचुरी की या ट्वेंटी सेंचुरी की तो ये अठवीं नन्दिसवी बीसवीं शताब्दी में जब ब्रिटिश लोग भारत के अंदर आपको आए और वहां पे हमने उनकी फिलोसॉफीज देखी उनके जीने का तरीका देखा उस बाद हमको लगा कि हमको हमारे समाज में हमारे रिलीजन में हमारे समाज में एक बड़े लेवल पे परिवर्तन करने की जरूरत है और उस परिवर्तन की जो बोलते हैं ना द पायनियर ऑफ रिवोल्यूशन या पायनियर ऑफ द रेनेसेंस वो थे राजा राम मोहन राय है ना उन्होंने इन चीजों की सबसे पहले यहाँ पर आपको शुरुआत की ऑबिय बात कोई व्यक्ति अगर कोई नया काम करता है कोई एक्स्ट्रा काम करता है तो उसकी आलोचना भी होती है स्पेशली वो काम

चाइल्ड मैरिज को लेके भी इनके कई सारी चीजें यहाँ पे हुआ करती थी ओके सती प्रथा के बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं जैसे वो तो वुमन राइट्स के लिए बोलते सोशल रिफॉर्म आप बोल सकते हो तो ये कई सारे सोशल रिफॉर्म यहाँ पर आपको लेके आए उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म के अंदर अगर आपको बात करोगे तो इकोनॉमिक रिफॉर्म में जो शेयर क्रॉपर्स थे या जो किसान थे तो उन किसान या उन पीजेंट्स के बारे में उन्होंने यहाँ पर आपको बात की उन किसानों के बारे में बात की इवन उन्होंने जो जमींदार थे जो बहुत ज्यादा एक्सप्लाइटेड थे उन जमींदारों के जो राइट्स हैं उन जमींदारों के राइट्स के भी बारे में यहां पर आपको बात की फर्स्ट पर्सन जिन्होंने भारत के अंदर जो लिबरेशन है उस लिबरेशन के बारे में या जो आजादी है उस आजादी के बारे में यहां पर आपको बात की लिबरेशन के बारे में यहां पर आपको बात की द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने भारत के अंदर जो प्रेस है तो प्रेस को इनिशिएट यहां पर आपको किया एंड फर्स्ट पर्सन जिन्होंने प्रेस की जो फ्रीडम है उस प्रेस फ्रीडम या आप बोल सकते हो कि जो प्रेस की जो आजादी है उस प्रेस की आजादी के बारे में यहां पर आपको बात की पहले व्यक्ति थे जिन्होंने डिक्टेटरशिप के खिलाफ यहां पर आपको लिखा तो जितनी भी

लेकिन राजा राम मोहन राय शुरू से इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट करते थे इसलिए नहीं कि वो इंग्लिश पढ़े लिखे थे द मेन रीजन इज दैट कि जो भी साइंटिफिक स्टडीज़ हैं जितने भी वैज्ञानिक स्टडीज वगैरह हैं वो तमाम प्रकार की वैज्ञानिक स्टडीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में उस समय हुई थी भारत में भी हुई थी भारत में भी, भी आर्यभ्टो ऐसे कई सारे वैज्ञानिक थे लेकिन उनकी थ्योरीज और उनकी जो ट्रिडीज है वो प्रॉपर तरीके से मॉडर्न तरीके से प्रेजेंट नहीं की गई वो थी उनको बाद में प्रेजेंट किया गया लेकिन उस समय पर जितना भी साइंटिफिक स्टडी है लिटरेचर की स्टडी है जैसे हमने एरिस्टोटल और प्लेटो

आजादी के बारे में बात की इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट किया कि तमाम चीजें राजा राम मोहन राय ने यहाँ पे की और जितने भी उसके बाद मूवमेंट हुए वो इसी के बाद से इनके रिफॉर्म्स के बाद इनके सुधारों के बाद यहाँ पर आपको शुरू हुए पहले इनके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट एंड फिगर्स हैं इनको हम लोग देख लेते हैं कि वॉज बॉर्न ऑन ट्वेंटी सेकेंड ऑफ मे सेवनटीन सेवेंटी फोर एट राधानगर बंगाल तो बंगाल में पैदा हुए अब देखो बंगाल क्या था कि बंगाल शुरू से रेनेसेंस या पुनर्जागरण का यहाँ पर आपको केंद्र रहा है फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग ठीक है ऐसे नहीं कि अंग्रेजों के आने के बाद हुआ अंग्रेजों के आने के आने के पहले भी भारत जो है आपका जो जो रेनेसेंस है या पुनर्जागरण या एक तरीके से एक क्रांति का यहाँ पे केंद्र रहा है ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्रांति का भी रहा और अध्यात्म का भी यहाँ पर आपको केंद्र रहा है स्वामी विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस जैसे संत भी यहाँ पर आपको और ऐसे कई सारे तमाम जो संत है वो बंगाल से होते हैं उसका जो अंग्रेज जब आए तो अंग्रेजों सबसे पहले कलकत्ता को कैप्चर करने की कोशिश की है सक्सीड की है उन्होंने कलकत्ता को कैप्चर कर लिया तो जो ब्रिटिश थाट्स थे या जो यूरोपियन थॉट्स थे यूरोपियन विचार थे वो सबसे पहले बंगाल के अंदर या बंगाल जो रीजन था बंगाल का मतलब अभी के समय का पूरा बंगाल और आसाम उसके अंदर इंक्लूड कर लो और उसके साथ में जो बांग्लादेश है उसको भी इंक्लूड कर लो तो बहुत बड़ी टेरिटरी हुआ करती थी अंग्रेजों जब शुरू में पे शासन किया तो कई सारे स्कूल्स कॉलेजेस और कई सारे और भी रिफॉर्म मूवमेंट शुरू किए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जैसे इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किए जिन्होंने भारत के कल्चर को भारत की संस्कृति को समझा उसको पढ़ा उसको इंप्लीमेंट यहां पर आपको किया फिर अपने हिसाब से उसमें बदलाव यहां पर आपको किए तो बंगाल शुरू से एक तरीके से एनएसएंस का पुनर्जागरण का लिटरेचर का या बोल सकते हो कि एक तरीके से जो लर्निंग है लर्निंग का सेंटर यहाँ पर आपको रहा है आगे इसी बंगाल में स्वामी विवेकानंद रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे बड़े बड़े जो लोग हैं बड़े बड़े लिटरेचर वाले लोग या बड़े बड़े आपके जो नामी व्यक्ति हैं वो बंगाल के अंदर यहाँ पे हुए तो उसी बंगाल में फोर में इनका जन्म होता है और ये खुद जो है वो एक ब्राह्मण फैमिली से यहाँ पर आपको बिलोंग करते हैं क्योंकि सती प्रथा वगैरह जो थी उसके अंदर सभी मतलब ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो कोई भी जाति हो वो सभी लोग उसके अंदर इन्वॉल्व है और तो ये खुद जो ब्राह्मण फैमिली है उस ब्राह्मण फैमिली में इनका यहाँ पर आपको जन्म हुआ ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली इनके जो पिताजी थे इनके पिताजी का नाम था रमाकांत जी ठीक है और इनका जो पिताजी थे वो वैष्णव धर्म को यहाँ पर आपको फॉलो करते थे जबकि इनकी जो माता थी उनका नाम था तारिणी देवी जी ये जो शैव है तो ये शैव बोल सकते हैं कि भगवान जो शिव है उनकी उपासक थी तो माता पिता दोनों जो है भक्ति में यहां पर आपको लीन थे ठीक है लेकिन इनकी थोड़ी सी थिंकिंग है इनके थोड़े से विचार हैं वो विचार यहां पर आपको अलग थे ठीक है उसके बाद इन्होंने तीन बार शादी की एक बार तो उनकी पत्नी की डेथ हो गई उसके बाद दो बार उन्होंने और शादी की तीन बार शादी की अब इनको कई सारी लैंग्वेजेस कई सारी भाषाएं आती थी ठीक है और बहुत सारी भाषाएं जो कौन कौन सी भाषा आती थी इनको अरेबिक पर्शियन आती थी इनको अरेबिक आती थी संस्कृत वैदिक संस्कृत आती थी हिब्रू आती थी लेटेस्ट इंग्लिश है ग्रीक है, है इतनी सारी भाषाएं उन्होंने यहां पर आपको सीखी है ना इनको धर्म के बारे में स्टडी करना रिलीजन के बारे में स्टडी करना बहुत अच्छा लगता था तो अब जब जब भी आप रिलीजन हाँ पर आपको बात करोगे तो रिलीजन के बाद में धर्म जो है धर्म की जब भी आप स्टडी करोगे तो धर्म की स्टडी में आ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि धर्म की जो एक्चुअल किताबें हैं उन एक्चुअल किताबों के अंदर या जो भी स्पिरिचुअल जैसे गीता हो गई रामायण हो गया महाभारत हो गया बाइबल हो गया या कुरान शरीफ हो गई इन किताबों में एक्चुअल राइटिंग क्या लिखी गई है ठीक है क्योंकि बाद में कई सारे लोग कमेंट्रीज लिखते हैं उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट यहां पर आपको करते हैं इसलिए इन्होंने क्या करा है कि जितने भी धर्मों की स्टडी की उन सभी धर्मों को उन सभी रिलीजन को उनकी जो एक्चुअल लैंग्वेज थी उस एक्चुअल लैंग्वेज में यहां पर आपको की कोशिश की क्या ताकि कि उनका जो एक्चुअल है वो समझ में आ सके जैसे एग्जांपल के लिए जो आपकी उर्दू वो है आपकी कुरान है वो अरेबिक में लिखी गई है फिर बाद में उसका पर्शियन में भी ट्रांसलेशन किया गया कई सारी जो आ, मुस्लिम धर्म की किताबें हैं वो पर्शियन में है मैक्सिमम किताबें अरेबिक में हैं तो ये भाषाएं सीखी फिर उनको वेद और उपनिषद पढ़ना था इसके लिए उन्होंने संस्कृत यहाँ पे सीखी वेदिक संस्कृत सीखी ताकि वेदों के बारे में वो जान सके उनकी जो टीचिंग्स है उनके बारे में जान सके उसके बाद उन्होंने हिब्रू पढ़ी है ना जो बाइबल है तो बाइबल एक्चुअली जो ओरिजिनल बाइबल है वो हिब्रू के अंदर लिखी गई है तो ही रीड द हिब्रू वो लर्न किया फिर लैटिन पढ़ा इंग्लिश पढ़ा ग्रीक पढ़ा ये तमाम भाषाएं पढ़ी ताकि धर्म के मूल में क्या है धर्म के केंद्र में क्या है उस केंद्र चीजों को यहां पर आपको समझ सके तो रिलीजन स्टडी करना उनको बहुत ज्यादा यहां पर आपको पसंद हुआ करता था ठीक है उसके बाद सती प्रथा के खिलाफ इन्होंने बड़ा आंदोलन यहां पे किया और उसी कारण जो उस समय जो राजा हुआ जो मुगल राजा हुआ करते थे अकबर सेकंड अकबर सेकंड ने इनको जो राजा का टाइटल है इनको राजा का टाइटल यहां पे दिया नाम था राम मोहन रॉय लेकिन राजा का टाइटल लेने के बाद राजा राम मोहन रॉय हो गया उस समय राजा सर ये उपाधियां जो है जनरली लोगों को आपको दी जाती थी

तो मुस्लिम्स अगर कोई अपराध करता है तो उसको शरिया के हिसाब से देखा जाएगा हिंदू कोई अपराध करता है है ना तो उसको जो वेद हैं या उनके अंदर जो सजाएं दी हैं उसके हिसाब से यहाँ पर आपको देखा जाएगा तो इसलिए चाहे वो एक मौलवी और एक जो पंडित थे वो हमेशा कोर्ट में होते थे वो धर्म के हिसाब से क्या सजा दी जा सकती है वो कोर्ट में आपको बताते तो इसी तरीके से पंडित के रूप में भी उन्होंने यहाँ पर आपको काम किया एक इंग्लिश कोर्ट जो थी कलकत्ता में इंग्लिश कोर्ट में उन्होंने पंडित के रूप में काम किया कि राजा जो जो भी जो जो मजिस्ट्रेट थे उनको इंटरप्रेट करते थे कि धर्मशास्त्रो में क्या लिखा है उस व्यक्ति को क्या सजा मिलना चाहिए तो ये गांव राजा राम मोहन रॉय जो है उन्होंने अपने स्टार्टिंग पीरियड के अंदर यहां पर आपको किया ठीक है उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी में राइटिंग सर्विस उन्होंने यहां पर आपको ज्वाइन की मुंशी की नौकरी यहां पर आपको की ठीक है उसके बाद एटीन में उन्होंने अपने सती के खिलाफ जो आंदोलन था वो सती के खिलाफ आंदोलन उन्होंने यहाँ पर आपको बड़े लेवल पर यहाँ पर आपको स्टार्ट किया और बाद में आर्य समाज जैसा जो इंस्टीट्यूशन है वो आर्य समाज जैसा इंस्टीट्यूशन उन्होंने यहाँ पर आपको स्टैब्लिश किया तो एटीन एटीन में सती प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लड़ी। उसके बाद 1827 में इन्होंने जो ब्रिटिश इंडिया यूनिटेरियन एसोसिएशन है ये एसोसिएशन बनाया और ये एसोसिएशन उनका बहुत ही इनिशियल एसोसिएशन था उसके बाद उन्होंने 1828 के अंदर ब्रह्मो समाज जो है पहले ब्रह्मो सभा का एस्टेब्लिशमेंट किया पहले सभा स्टैब्लिश की और सभा के बाद इन्होंने ब्रह्मो जो समाज है उस समाज का किया ठीक है अभी सभा में होता क्या था वो करते क्या थे वो उनकी जो एक्टिविटीज हैं उनसे उनकी फिलोसॉफी के बारे में आपको पता चलेगा ठीक है पहली चीज कि उनका जो जो भी मतलब कलकत्ता में सबसे पहले उन्होंने आर्य समाज एस्टैब्लिश किया तो आर्य समाज की जो बिल्डिंग थी उस बिल्डिंग के अंदर या जो उनका जो कैंपस था उस कैंपस में कोई ऐसे कोई भगवान की मूर्ति कोई फोटो या इस प्रकार की कोई चीज यहां पर आपको नहीं थी वो भगवान को मानते थे लेकिन जो परमपिता परमेश्वर है या ऐसे व्यक्ति जो जो सुप्रीम सोल या सुप्रीम गॉड है उनके अंदर बिलीव करते थे ही बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ द मोनोथीज्म मोनोथीज्म मतलब एक तरीके से एकेश्वरवाद में बिलीव करते थे जो इस्लाम का मेन फिलोसॉफी है इस्लाम का मेन यहाँ पे फिलोसॉफी यहां पर है इनका ऐसा मानना था कि सभी धर्म में कुछ अच्छाइयाँ हैं कुछ बुराइयां हैं तो इन सभी धर्मों की जो अच्छाइयाँ हैं

ऑर्गेनाइजेशन था ब्रह्म समाज तो वहाँ पे कोई मूर्ति कोई फोटो कुछ नहीं हुआ करता था ऐसे सफ़ेद चादर बिछी होती थी सफ़ेद ऐसा गद्दा बिछा होता था उसके ऊपर जाके लोग सिर्फ आराधना करते थे ध्यान लगाते थे ठीक है और धर्म के बारे में जो कुरुतियाँ हैं उन कुरुतियों के बारे में यहाँ पर आपको डिस्कस करते थे अब ये चीज़ें करते तो अभी सी बात विरोध भी यहाँ पर आपको होगा आज के टाइम पर अगर आप कुछ बोल दो धर्म के बारे में तो उसमें विवाद हो जाता है तो उस समय पे भी इनको लेके बड़े लेवल पे यहाँ जो विरोध है बड़े लेवल पे विरोध प्रदर्शन यहाँ पर आपको हुए इनके ऊपर बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन एक दो बार सॉरी इनके ऊपर एक दो बार जो है वो लाइव अटैक भी इनके ऊपर आपको हुआ लेकिन ऐसे कुछ इनको ज्यादा हम यहाँ पर आपको नहीं हो तो पहले लोगों ने उनको हैट्रेट करना या उनको जो नफरत इनके खिलाफ नफरत भी यहाँ पर आपको फैली थी लेकिन ये लोगों से डिस्कशन करते थे है ना कोई व्यक्ति बोलता था कि हिंदू धर्म के अंदर या जो वेद उपनिषद है उन्होंने उनमें सती प्रथा के बारे में लिखा हुआ है तो ये बोलते थे कि आप प्रूव करो कि सती प्रथा के बारे में लिखा हुआ है है ना जब लोग इनको बोलते कि तुम प्रूव करो कि नहीं लिखा है तो वो वेदों को पढ़ के इंटरप्रेट करके बता देते कि देखो सती प्रथा के बारे में तो कहीं लिखा हुआ नहीं है लेकिन तुम फिर भी वुमेंस को सती यहां पर आपको करते हो है ना तो उसको लेके वो लोग जो पर, जो उस समय धर्म के जो पंडित वगैरह थे उनसे काफी चैलेंजेस इनको फेस करना पड़े काफी लड़ाई यहां पे लड़ना पड़ी लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने जो वुमेन राइट है वो वुमेन राइट के अंदर यहाँ पर वो सक्सेसफुल हुए उन्होंने जो जाति जो भी आपका सती प्रथा थी उस सती प्रथा को यहां पर आपको बैन कर दिया जो सच में एक बहुत ज्यादा इनह्यूमन या बोल सकते बहुत अमानवीय यहाँ पर आपको कृत्य हुआ करता था तो ये ब्रह्मो समाज स्टैब्लिश किया उसकी फिलोसफी में बता चुका हूँ कि किस फिलोसफी के ऊपर यहां पर चलता था फिर उसके बाद 1830 में 1830 के अंदर लंदन गए और लंदन के अंदर ब्रिस्टल नाम की एक जगह थी उस ब्रिस्टल नाम की जगह पे इनकी यहाँ पर आपको डेथ हो गई उनकी यहाँ पर आपको मृत्यु यहाँ पर आपको हो गई ठीक है उसके बाद इन्होंने एक्सक्यूज में पता नहीं थोड़ा मैंने रूम के अंदर अभी मच्छर का स्प्रे डाला था उसकी स्मेल अभी तक गई नहीं है अभी तक वो ऐसा लग रहा है कि उसकी स्मेल अभी तक है तो दो घंटा हो गया लेकिन फिर भी ठीक है तो उन्होंने सभी तमाम प्रकार के जो व्यूज है उनके ऊपर अपने विचार रखे अब सबसे पहले उन्होंने विचार रखे ये तो बेसिक इंट्रो आपको हो गया कि राजा राम मोहन रॉय के बारे में आपको बेसिक लिखने को आ जाए कि उनके बारे में उनके जीवन के बारे में लिखे तो ये बेसिक फिल जो मैंने आपको चीजें अभी तक बताई ये चीजें आप यहाँ पर आपको लिख सकते हैं ठीक है उसका थी जो फर्स्ट पर्सन जनरल लिबरेशन के बारे में या बोल सकते हैं कि उदारीकरण के बारे में यहां पर आपको बात की है ना क्योंकि जो ब्रिटिश लोग भारत के अंदर थे तो अपने देश में तो बहुत उदार थे लेकिन जब भारत में आए तो भारत में आने के बाद उनकी जो उदारिता है वो एक तरीके से खत्म यहां पर आपको हो गई इसलिए उन्होंने हमेशा जो एक लिबरल पॉलिटिकल थॉट या बोल सकते हैं कि एक उदार राजनीतिक विचार है उन उदार राजनीतिक विचारों की उन्होंने यहां पर आपको बात की कि हर व्यक्ति जो है एक मिनट वेट तो उदार राजनीतिक विचारों की उन्होंने यहां पर आपको बात की सबसे पहले यहां पर आपको व्यक्ति थे उनका बोलना था कि यूरोप के अंदर जो रेनेसेंस यहां पर आपको आया है वो लिबरल थॉट्स के कारण या जो जो बोल सकते हैं कि जो उदार विचार है उन विचारों के माध्यम से आए कि किसी भी चीज को लेकर आपको बहुत उदार होना चाहिए बहुत ज्यादा लिबरल होना चाहिए तो उन लिबरल थॉट्स के कारण ही यूरोप के अंदर या ब्रिटेन मतलब ब्रिटेन के अंदर या अमेरिका के अंदर ऐसे कई सारी कंट्रीज हैं उनमें रिफॉर्म यहां पे आया जब तक आप उदार नहीं होंगे जैसे सती प्रथा है बहुत बड़ी क्रूती है तो जब हमको समाप्त करना चाहिए कि इसका कोई सेंस नहीं है कोई उद्देश्य नहीं है तो इस प्रथा को यहाँ पर आपको समाप्त करो ठीक है तो जो लिबरल विचार है उन लिबरल विचारों को उन्होंने हमेशा समर्थन यहाँ पे किया उनका बोला था कि यूरोप के अंदर जो स आया है वो लिबरलाइजेशन के कारण या उदारीकरण के अंदर आपको आया और वही उदारीकरण हमको भारत में भी हाँ पर आपको लाना चाहिए और जब तक भारत में लोगों को इंग्लिश एजुकेशन या लोगों को प्रॉपर तरीके से एजुकेशन या शिक्षा नहीं दी जाएगी लोगों को इक्वालिटी या समानता के बारे में क्या समानता इक्वालिटी को लेकर बहुत ज्यादा इन्होंने नहीं बोला लेकिन फिर भी यह था कि जब तक लोगों के अंदर इक्वालिटी या लोग जो है वो सती प्रथा जैसी चीज है लिबरल विचारधारा नहीं रखेंगे तब तक भारत के अंदर रेनिसेंस या पुनर्जागरण यहां पर आपको नहीं हो सकता है उनका पोलिटिकल लिबरेशन जो था वो बोलता नॉन इंटरफेरेंस ऑफ कंट्री कास्ट और रिलीजन ठीक है देश जातीय संप्रदाय की सीमा रेखा का हस्तक्षेप नहीं था एक तरीके से पूरी तरीके से एक ओवरऑल राजनीतिक जो विकास है राजनीतिक उदारीकरण यहां पर वो चाहते थे है ना उनका बोलना था कि जैसे अमेरिका के अंदर सिविल वॉर पहले फ्रीडम मूवमेंट हुआ फिर सिविल वॉर हुआ है ना ये खैर सेवनटीन की बात है तो उस समय फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ ही था सेवनटीन में फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लगभग हो चुका था तो उन्होंने बोला था कि अमेरिका में फ्रांस में इटली में स्पेन में इन सभी कंट्रीज के अंदर जो जो फ्रीडम मूवमेंट या आजादी का आंदोलन यहाँ पर आपको हुआ है उन आजादी के आंदोलन के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो लिबरल विचारधाराओं का है वो उदार विचारधाराओं का तो जब तक भारत में उदार विचारधारा का विकास नहीं होगा डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक भारत के अंदर विकास भारत के अंदर जो आजादी है वो आजादी हमको नहीं मिल पाएगी एग्जैक्टली exactly आजादी की बात उन्होंने नहीं की लेकिन वो बोलते कि भारत में रहते हुए भी हम लोग आजाद हो सकते हैं वॉज द चैंपियन ऑफ द सिविल राइट कि हमको कम से कम ठीक है देश की आजादी की बात तो ठीक है हमको एक तरीके से जो सिविल राइट है या जो नैतिक अधिकार है बोलते हैं हिंदी के अंदर नागरिक अधिकार है तो हमको कम से कम नागरिक अधिकार यहाँ पर आपको मिले एक नागरिक को जो अधिकार मिलता है जो क्योंकि हम भी ब्रिटिश कॉलोनी है ना जैसे ब्रिटेन है जैसे ब्रिटेन के लोग हैं वैसे हम भी यहाँ पर आपको है तो भारत के लोग और ब्रिटेन तो के लोग सभी लोग यहाँ पर एक तरीके से एक ही राजा के अंदर यहाँ पे है और एक ही राजा के अंदर आप अगर अंतर्गत यहाँ पर आपको है तो सभी को ट्रीट करने का या सभी से डील करने का अलग अलग तरीका यहां पर आपको कैसे हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट तरीका कैसे हो सकता है तो उन्होंने बोला कि अमेरिका फ्रांस स्पेन इन कंट्रीज के अंदर अगर फ्रीडम मूवमेंट आ सकता है इनके अंदर अगर आजादी का आंदोलन आ सकता है तो ऑब्वियस ही बात है कि भारत के अंदर भी आजादी का आंदोलन तभी आएगा जब हम लोग लिबरल थिंकिंग जो है या उदारवादी विचारों को यहाँ पर आपको आ, उनके बारे में यहाँ पर आपको सोचेंगे और आप एक बार सोच के देखो भारत में सच में आजादी का जो आंदोलन है वो तभी यहाँ पर आपको आया जब हमने जो लिबरल विचारधारा है हमने उदार विचारधाराओं को यहाँ पर आपको यूज किया से महात्मा गांधी हो गए सुभाष चंद्र बोस हो गए या पंडित नेहरू हो गए जब उन्होंने उदार विचार के बारे में बात किया आपके अंधेरा क्यों है भाई पता नहीं तो क्यों हो रहा है हाँ ठीक है तो हाँ तो उन्होंने पंडित नेहरू हो गए बाकी लोग तो ये जो जो ब्रिटेन में पढ़ के आए तो ब्रिटेन की जो फिलोसॉफी है ब्रिटेन की जो थिंकिंग है जो भारत तक यहाँ पे पहुंची चाहे भगत सिंह जैसे या चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी हो जो मार्क्स की फिलोसॉफी से प्रभावित थे वो भी एक तरीके की लिबरल विचारधारा थी तो इनका माना था जब तक हम लिबरल विचारधारा या उदार विचारों को यहाँ पर आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आजादी का मूवमेंट यहां पर भारत में शुरू नहीं हो सकता कोई व्यक्ति ये मान ले कि हाँ हम लोग किसी के अंडर यहाँ पर हैं और हमेशा अंदर ही यहाँ पर किसी के अधीन यहाँ पे रहेंगे तो उस व्यक्ति को कोई आजाद नहीं कर सकता ठीक है कोई उसको इंडिपेंडेंट नहीं कर सकता फॉर दैट रीजन उन्होंने भारत के अंदर उदार विचारों की हाँ पर आपको बात की व्यक्ति को कम से कम उदार विचार होना चाहिए अपनी आजादी के लिए अपने अधिकारों के लिए क्योंकि व्यक्ति जब उदार सोचेगा तो सबको समान देखेगा इक्वालिटी के अंदर आपको बिलीव करेगा मेल फीमेल की इक्वालिटी जेंडर इक्वालिटी हो गई कास्ट इक्वालिटी होगी रिलीजियस इक्वालिटी होगी सभी प्रकार की समानताओं की बात करेगा फिर अपने नागरिक अधिकारों की बात करेगा राइट टू एक्सप्रेशन राइट टू फ्रीडम राइट टू राइट टू राइट टू रिलीजन ऐसे तमाम अधिकारों की बात करेगा ये कब पॉसिबल है जब व्यक्ति जो है वो लिबरल यहां पर आपको होगा तो लिबरल विचारधारा होगा जो है इन्होंने बड़े लेवल पर यहाँ पर इनका समर्थन किया इसका यहां पर आपको सपोर्ट यहां पर आपको किया ठीक है उसके बाद उनको बोलना था कि जो डिक्टेटरशिप है या डिस्क्रिमिनेशन है इन द लिबरलाइजेशन उसकी कोई जगह नहीं है ये एक लिबरल विचारधारा में डिक्टेटरशिप या बोल सकते हैं कि जो तानाशाही है या भेदभाव है उसकी कोई जगह नहीं है दोनों चीजों की जगह नहीं क्योंकि हर व्यक्ति को आपको इक्वल देखना पड़ेगा रिलीजन के हिसाब से या आपके कास्ट के हिसाब से सब लोगों को या जेंडर के हिसाब से सब लोगों को इक्वल देखना पड़ेगा तो ही फॉलो द ही नॉट सपोर्टेड द डिस्क्रिमिनेशन अगर डिस्क्रिमिनेशन या इस तरह से क्या बोलते हैं भेदभाव यहाँ पे होगा तो लिबरल विचारधारा नहीं आ सकती फिर डिक्टेटर का उन्होंने यहाँ पर आपको विरोध किया उनका बड़ा अच्छा मतलब एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट उनका हुआ करता था उसमें उनको बोलना था कि अगर कोई व्यक्ति अगर डिक्टेटर है तो एज अ डिक्टेटर कोई शासन लंबे समय तक यहाँ पर आपको नहीं कर सकता है ना ये चीज आगे जाके अप्रूव भी हुई चाहे वो मुसोलिनी हो चाहे वो एडोल्फ हिटलर हो चाहे वो भारत के अंदर इंदिरा गांधी हो जिन्होंने आपके एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी भारत के अंदर डिक्टेटरशिप लागू करने की कोशिश की तो कोई भी डिक्टेटर जो है कोई भी तानाशाह है वो लंबे समय तक यहाँ पर आपको नहीं रह सकता कोई ऐसा व्यक्ति जिसने सॉरी कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने लोगों के लोगों का नमन किया हो लोगों को हरस किया हो व्यक्ति लंबे समय तक अपना शासन यहाँ पर आपको नहीं कर सकता ठीक है तो कई सारे और भी ऐसे लोग थे जैसे एक लिबरलिस्ट व्यक्ति थे उनका नाम था जॉन लॉग तो उनके विचारों से प्रभावित थे फिर एक यूटिलिटे यूटिलिटेरियन बैंथम हुआ करते थे उसका फ्रेंच थिंकर थे मोन्टेस्क्यू है ना मोन्टेस्क्यू से यहाँ पर प्रभावित थे ये यूटिलिटेरियन का थ्योरी क्या होता है ये हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर यहाँ पर आपको देखेंगे कि आ, ये फिलोसॉफी होता क्या इज द यूटिलिटेरियन होता क्या है यूटिलिटेरियन तो इसके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर जब हम यूनिट नंबर टू और थ्री पढ़ेंगे तो वहां पर यूटिलिटेरियन और बाकी तमाम प्रकार की जो फिलोसॉफी है इस फिलोसफी को हम लोग वहां पर आपको पढ़ने वाले हैं तो जॉन लॉक या जेरनी बैंथम और मॉन्टेस्क्यू जैसे लोगों से यहाँ पर प्रभावित हुए स्पेशली जो मोन्टेस्क्यू था तो सबसे पहले कि एक राजा को क्या करना चाहिए थी बस लाइक चाणक्य तो चाणक्य ने जो फिलोसॉफी लिखी थी है ना चाणक्य का फिलोसॉफी बहुत ज्यादा डेवलप था बहुत ज्यादा विकसित था मोन्टेस्क्यू की फिलोसॉफी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी और उसके कम से कम चाणक्य के, के हजारों साल बाद लिखी गई फिफ्टीन सेंचुरी में आपको लिखी गई लेकिन फिर भी चाणक्य जो है उनको मोन्टेस्क्यू ऑफ द ईस्ट कहा जाता है या भारत का मोन्टेस्क्यू कहा जाता है ना मुझे कारण समझ नहीं आता जब चाणक्य पढ़ेंगे ना जब आपको समझ में आएगा कि चाणक्य कितने रेलिवेंट है कितने प्रासंगिक यहाँ पर आपको है ठीक है तो ये इन सभी लोगों से यहाँ पर आपको प्रभावित थे और उनका बोलना था कि द कॉन्स्टिट्यूशनल रूल संवैधानिक जो तंत्र है संवैधानिक तंत्र जो है वो लिबरलाइजेशन के लिए सबसे अच्छा है अगर कोई भी देश आपको अगर लिबरल करना है या लोगों की आजादी यहां पर आपको चाहिए तो आजादी के लिए जो संवैधानिक तंत्र है या संवैधानिक रूल है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब देखो जरूरी कि कॉन्स्टिट्यूशन रूल हो तो उसके अंदर सोरिटी और ये तमाम चीजें भी यहां पर आपको सोशलिस्टर सोच, सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये तमाम चीजें हो कॉन्स्टिट्यूशन रूल का मतलब होता है कि ऐसा नियम हो एक ऐसा कानून बना हो उस कानून के हिसाब से सब कुछ चीजें यहां पर आपको चलती हो एक सुप्रीम लॉ बना है उस सुप्रीम लॉ के हिसाब से पूरा जो देश है वो कंट्रोल यहां पर आपको होता है तो लोगों की आजादी तब तक नहीं आ पाएगी जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन रूल या जब तक संवैधानिक जो रूल है उन संवैधानिक रूलों का पालन यहां पर आपको नहीं करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन रूल इज द Extremely sorry, क्योंकि यहाँ पर मैं म्यूट नहीं कर सकता YouTube में mute का ऑप्शन नहीं होता है प्लस क्लास होती थी म्यूट कर लेता इसलिए कभी भी है ना वो ये बैगन स्प्रे वगैरह ये डालना नहीं चाहिए डालो तो फिर उस रूम में चौबीस घंटे जाओ बड़ा सफोकेशन सा हो रहा है तो दरवाजे वगैरह खोलूंगा ना तो फिर वो लाइट स्क्रीन के ऊपर प्रॉब्लम आ जाएगी ठीक है चलिए तो ये संवैधानिक तंत्र की उन्होंने यहां पर आपको बात की उसके बाद उन्होंने नेचुरल राइट या प्राकृतिक अधिकारों के बात की है ना एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक होता है संवैधानिक अधिकार फिर एक होता है लीगल राइट नैतिक या मॉरल राइट तो उन्होंने नेचुरल राइट के बारे में बात की प्राकृतिक अधिकारों की बात की जो प्रकृति आपको देती नेचर देता है फर्स्ट पर्सन इन इंडिया हु टॉक अबाउट द नेचुरल जस्टिस या जो प्राकृतिक न्याय है उस प्राकृतिक न्याय के बारे में यहां पर आपको बात करता था वॉज द तो फर्स्ट पर्सन जिन्होंने प्राकृतिक न्याय या जो बोल सकते हैं कि एक जो नेचुरल राइट है उनके बारे में बात की अब इनके हिसाब से जो जॉन लॉक है जिनकी थ्योरी ये सपोर्ट करते थे जॉन लॉक के हिसाब से तीन फंडामेंटल राइट या तीन नेचुरल राइट होते हैं फर्स्ट राइट इज कॉल्ड द लाइफ जीने का अधिकार फ्रीडम और प्रॉपर्टी ये तीन अधिकार जो है जॉन लॉक के हिसाब से नेचुरल राइट प्राकृतिक अधिकार है क्या क्या अधिकार यहाँ पर है कि व्यक्ति के पास पहले तो उसका जीवन का अधिकार होना चाहिए लाइफ का अधिकार होना चाहिए दैट वी हैव इन द आर्टिकल 21 फिर फ्रीडम अधिकार होना चाहिए आर्टिकल 19 से लेके ट्वेंटी तक हमारे यहां मैंशन है फिर प्रॉपर्टी का संपत्ति का अधिकार था जो हमारे संविधान में एक समय पर मौलिक अधिकार हुआ करता था लेकिन ये ये नेचुरल राइट की बात कर रहे हैं अमेरिका के अंदर भी लाइफ फ्रीडम और प्रॉपर्टी ये सम, ये नेचुरल राइट है कि प्राकृतिक अधिकार है कि व्यक्ति कुछ भी हो उसके कम से कम संपत्ति होना चाहिए संपत्ति जो है उसको जीने का रास्ता दिखाती है उसको जो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने का रास्ता एक तरीके से दिखाती है उसको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट बनाती है तो ये लाइफ फ्रीडम और प्रॉपर्टी ये तीनों चीजें जो है मौलिक अधिकार अधिकारी आपके नेचुरल राइट के अंदर यहाँ पर आपको होना चाहिए ठीक है और जितने भी अधिकार हैं ये इनफेलेबल हैं नॉन ट्रांसफरेबल हैं कि जितने भी अधिकार हैं ये एक तरीके से ऐसे अधिकार है कि जो व्यक्ति से कोई छीन नहीं सकता व्यक्ति किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता मैं अपनी फ्रीडम आपको ट्रांसफर नहीं कर सकता है ना मैं जो भी लाइफ में फ्रीडम यहाँ पे फील कर रहा हूँ वो आपको ट्रांसफर नहीं कर सकता या प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता है ना प्रॉपर्टी यू कैन ट्रांसफर आप उसको बेच सकते हो अपने पिता अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकता लेकिन व्यक्ति के रहते हुए जो संपत्ति के अधिकार या तमाम जो अधिकार है उनसे कोई व्यक्ति छीन नहीं सकता उनसे कोई यहाँ पे ले नहीं सकता तो उन्होंने हमेशा नेचुरल राइट की यहाँ पे बात की और उसके साथ में उन्होंने एक और नया जो राइट है वो ऐड किया उसका नाम था तो मॉरल राइट नैतिक अधिकार तो जीवन का अधिकार आजादी का अधिकार उसके बाद संपत्ति का अधिकार इन तीनों अधिकारों के बाद उन्होंने चौथा अधिकार यहां पे मॉरल राइट right या नैतिक अधिकार यहाँ पे किया कि जब तक व्यक्ति के पास नैतिक अधिकार नहीं होगा नैतिक रूप से व्यक्ति सशक्त नहीं है मॉरली राइट right नहीं है तब तक लाइफ फ्रीडम और प्रॉपर्टी है इनका कोई स्थान नहीं इसलिए उन्होंने चौथा जो अधिकार है वो चौथा अधिकार भी यहां पर आपको एक तरीके से आपको ऐड किया कि मॉरल राइट right या ये अधिकार भी यहाँ पर आपको होना चाहिए ठीक है उसका तो उनका यहां पर आपको बोलना था कि गवर्नमेंट जो है वो फ्रीडम व्यक्ति की फ्रीडम के अंदर यहां पर ज्यादा इंटरफेयर नहीं करे लेकिन अगर सरकार अगर सोशल लॉज यहां पर आपको बनाती है सामाजिक नियम यहाँ पर आपको बनाती है तो उसके केस में सामाजिक नियम को बनाने के केस में जो सरकार है वो व्यक्तियों के जो अधिकार हैं उनके जो राइट्स हैं उनके अंदर यहाँ जो फ्रीडम ऑफ जो फ्रीडम है उस फ्रीडम के अंदर हस्तक्षेप यहां पर आपको कर सकती है उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है सती प्रथा यहां पर है सती प्रथा तो अगर देखा जाए तो हमारे हिंदू धर्म का एक बहुत ही मौलिक अधिकार था ऐसा माना जाता था नहीं लेकिन लोग मानते थे कि नहीं ये आपके धर्म का एक तरीके से मौलिक अधिकार है इट इज योर द फंडामेंटल फंडामेंटल प्रिंसिपल एक तरीके से धर्म का हो सकता था लोग बोलते नहीं ये धर्म में ये चीजें यहाँ पर आपको होना चाहिए लेकिन उन्होंने बोला कि अगर 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 जो जो भी आपके मतलब जो भी कोई सोशल लॉज या सामाजिक सुधार के कोई नियम बनाए जाए तो उन नियमों को बनाने के तौर पे जो धर्म की या जो भी आपकी आज़ादी है उसके साथ में कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है ठीक है ये उनका खुद का यहां पे मानना था तभी तो हम सोशल लॉज यहां पे बन सके तभी तो ऐसे कानून बन सकेंगे जो धर्म को विकास कर सके धर्म का डेवलपमेंट कर सके धर्म की क्रूतियों को धर्म के जो टैबो सोशल टेबोस हैं उन टेबोस को यहां पर आपको हटा सके फिर आगे अंग्रेजों ने इसका मिसयूज भी यहाँ पर आपको किया जैसे आगे जाके उन्होंने एक कई सारे ऐसे कानून जैसे एक लॉक्सी करके एक्ट यहाँ पर आपको लेके आए कि कोई भी व्यक्ति जैसे हिंदू धर्म में ये होता था कि कोई भी व्यक्ति अगर अपना धर्म परिवर्तित कर लेता है तो पिता की संपत्ति में उनका कोई अधिकार नहीं होगा इसके लिए अंग्रेज सरकार एटीन में कानून लेके आई कि कोई भी व्यक्ति अगर धर्म परिवर्तित करता है तो वो हिंदू अगर धर्म परिवर्तित करता है तो उसके जो अधिकार उसके जो मालिक जो उसकी संपत्ति का अधिकार है वो मेनटेन रहेगा उसका भी बड़ा विरोध हुआ वो भी एक रीजन था एटीन

भारत में जितनी भी फिलोसॉफीज लिखी गई वो सभी जो है वो एक रूल में लिखी गई एक लोकतांत्रिक एक, एक एक बोल सकते हैं कि एक राजतंत्रात्मक जो क्या बोल... जो भी आप बोलते हैं को, एक राजा के मोनार्की को क्या बोलेंगे हिंदी में तो एक राजतंत्रात्मक ही बोलेंगे तो राजतंत्रात्मक जो प्रणाली है उस मोनार्कियल सिस्टम में लिखी गई तो भारत की जो जितनी भी तमाम फिलोसफीज थी वो चाणक्य से लेके तो वो कबीरदास जी और तुलसी और जितने भी राइटर्स हुए करते थे वहां पे कहीं ना कहीं जो राजा है उसके इंपॉर्टेंस को बताया गया वहां पे कभी भी भारत के अंदर के इतने सारे फिलोसोफर्स हुए कभी ने किसी ने डेमोक्रेसी के, के बारे में फ्रीडम के बारे में यहां पर आपको बात नहीं की है ना फ्रीडम के बारे में बात की लेकिन हमारी जो फ्रीडम जो थी जैसे कबीर या तुलसी को आप पढ़ोगे जब तुलसीदास को पढ़ोगे तो वो जो फ्रीडम था वो खुद की फ्रीडम है इंडिविजुअल फ्रीडम की बात है आपकी जो कंसाइसनेस आपकी जो चेतना है उस चेतना की आजादी की बात है तो हम लोग कलेक्ट इंडिपेंडेंस की जगह इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस चाहते हैं कि ठीक है भारत भारत आजादी हो ना हो लेकिन धर्म के रूप में या अपने आस्था के रूप में कम से कम हम आजाद यहां पे हम अपनी थिंकिंग अपनी फिलोसफी है उसको एडॉप्ट कर सके उसको एक्सेप्ट कर सके ठीक है तो ये आ, उन्होंने यहां पे बोला और उन्होंने बोला कि जो वेस्टर्न फिलोसफी है वो आपको जीने के कई सारे रास्ते यहां पर आपको दिखाता है उनका बोलना है कि अगर जीने का कोई अच्छा नया रास्ता मिलता है तो उस रास्ते के ऊपर हम आपको जा सकते हैं तो इसलिए उन्होंने जो वेस्टर्न फिलोसॉफी है उनको यहां पे एक्सेप्ट किया उनका बोलना था कि जो वेस्टर्न फिलोसॉफी है अब देखो उसको लेके भी थोड़े से रिजर्व थे क्या रिजर्व थे उनका बोलना था कि अगर भारतीय भारतीय समाज समाज के के समाज के बेटरमेंट लिए विकास के लिए या भारतीय समाज के बेहतरी के लिए सिर्फ उनकी बेहतरी के लिए अगर विदेशी विचारों का या जो वेस्टर्न फिलोसॉफीज हैं उनका उपयोग किया जाए तो इट्स वेरी ओके लेकिन लोगों के धर्म परिवर्तन या लोगों की आस्था से या किसी भी चीज से खिलवाड़ करने के लिए अगर उपयोग किया जाएगा तो ये चीज अच्छी नहीं है तो उनका बोलना है कि लोगों के बेटरमेंट के लिए हम लोग वेस्टर्न फिलोसोफीज का उपयोग कर सकते हैं जब उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि तुम तो अंग्रेज के चमचे हो तुम तो अंग्रेजों का सपोर्ट करते हो तो उनका बोलना है यार इससे अगर मेरे देश के लोगों का भला हो रहा है तो मैं बिल्कुल इस फिलोसॉफी को यहां पर आपको सपोर्ट करूंगा तो यही चीज उन्होंने उस समय तो यहां पर आपको की उसके बाद उन्होंने बोला कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है उनका बोलना था राइट ऑफ शेयर क्रॉपर्स के बारे में बात की देखो तो दोनों चीजों के बारे में उन्होंने बात की उन्होंने जो शेयर क्रॉपर्स या जो उस समय पीजेंट्स थे जो रैयत थे मतलब जो किसान हुआ करते थे या जो शेयर क्रॉपर थे जो भाड़े पर जमीन लेके यहां पर आपको काम करते थे तो उनके अधिकारों की भी बात की साथ ही जो जमींदार थे जिन जमींदारों को अंग्रेज सरकार एक्सप्लॉइट कर रही थी है ना उनको जमीन जमीन का अधिकार तो उन्होंने यहां पर आपको दे दिया लेकिन एक मिनट यार जमीन का अधिकार तो उनको यहां पर आपको दे दिया कि तुम ठीक है इकट्ठा करो टैक्स इकट्ठा करके हमको दो लेकिन टाइमली वो लोग टैक्स पे नहीं कर पाए तो उनकी जो राइट्स हैं वो भी छीन लिए तो ही सपोर्टेड द जमींदार एंड ही ऑट ऑल्सो सपोर्ट द आपके पीजेंट दोनों को उन्होंने एक तरीके से यहां पर आपको सपोर्ट यहां पे किया ठीक है तो ये उनके कुछ नेचुरल राइट या प्राकृतिक अधिकारों के बारे में बात हुई है ना यहां तक क्लियर हुआ सबको मैं पूरा पढ़ाऊंगा अगर आप लोग हेल्प करेंगे तो अभी यूनिट नंबर वन पूरी पढ़ाऊंगा उसमें अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो यूनिट नंबर टू भी पढ़ाऊंगा उसमें भी अच्छा रिस्पॉन्स देन थ्री देन फोर वो कंटिन्यू चलता रहेगा इट ओनली डिपेंड कि अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से यहां पर आपको सपोर्ट यहां पर आपको करोगे ठीक है अभी जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें <coughs> क्योंकि मेंस की क्लास में क्या होता है ना कि बच्चे कम इंटरेस्टेड होते हैं सॉरी सी खांसी हो रही है और पीपीटी मैं दे दूंगा तो अभी तक के लेक्चर की जितनी भी स्लाइड्स हैं ना अभी जितने भी लेक्चर हुए हैं तो उनकी पीपीटी में आपको दे दूंगा ठीक है तो चारवाक है शंकर है इनकी फिलोसॉफी जो जितनी हो गई है अभी तक ये शायद चौथे या पांचवें फिलोसोफर है उनकी सब चारों की पीडीएफ दे दूंगा ठीक है उसके बाद सिटीजन राइट या फिर जो नागरिक अधिकार हैं उन नागरिक अधिकारों की यहां पर आपको बात करें तो ये बहुत ज़्यादा जो बोलते हैं ना पॉलिटिकल फिलोस के अंदर बिलीव नहीं करते थे कि इनको राजनीतिक चीजों से कोई मतलब नहीं था कि देश की आजादी चाहिए तो आजादी का आंदोलन यहाँ पर आपको छेड़ दिया या अंग्रेजों के खिलाफ धरना प्रदर्शन यहां पर आपको कर दिया तो जो पॉलिटिकल जो फिलोसफी है वो इनकी ना के बराबर थी वो धर्म के अंदर या लोगों के जो सामाजिक सुधार थे उन सामाजिक सुधारों को चाहती वो तो मुस्लिम्स को भी बोलते थे कि तुम्हारे अंदर भी रिफॉर्म की जरूरत है लेकिन उन्होंने बोला कि चलो अपने धर्म से ही इसकी शुरुआत करेंगे तो ज्यादा बेटर यहां पर आपको है ठीक है तो इन्होंने कभी भी पॉलिटिकल फिलोसॉफी है इसको बहुत ज्यादा इसके अंदर सपोर्ट यहां पर आपको नहीं किया लेकिन पॉलिटिकल फिलोसॉफी में सपोर्ट नहीं करने के बावजूद भी इन्होंने फ्रीडम ऑफ लाइफ जीवन की स्वतंत्रता विचारों की स्वतंत्रता एक्सप्रेशन फॉर इंडियन एज अबेटी ऑफ द ब्रिटिश ब्रिटिश के जैसे ब्रिटिश लोगों को अधिकार है दे हैव द राइट टू फ्रीडम राइट टू लाइफ राइट टू थॉट राइट टू एक्सप्रेशन तो ये सभी अधिकार जो है वो तो भारतीयों को मिलना चाहिए क्योंकि हम भी अल्टीमेटली उन्हीं के सिटीजन हैं, उन्हीं के सब्जेक्ट्स हैं, तो हमको भी वही अधिकार मिलना चाहिए ब्रिटेन जो है अपनी कॉलोनीज में अलग तरीके से नियम चलाता है अलग रूल चलाता है अपने देश में अलग तरीके से रूल चलाता है तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इस डिस्क्रिमिनेशन का जो विरोध है वो उन्होंने हाँ पर आपको किया कि जिस प्रकार से जो जो सिटीजन सिटीजन राइट राइट है सभी लोगों के सिटीजन राइट या नैतिक मौलिक अधिकार है नागरिक तो अधिकारों के बारे में, के बारे में हाँ पर आपको बात की उसका सामंतवाद का भी उन्होंने यहां पर आपको विरोध किया भारत में लंबे समय से सामंतवाद यहां पर चल रहा है स्पेशली परमानेंट सेटलमेंट चल रहा है लॉर्ड कॉन्वलिस के टाइम से ही परमानेंट सेटलमेंट स्टैब्लिश हुआ अब उस परमानेंट सेटलमेंट में क्या हुआ कि जो आम गरीब किसान मजदूर व्यक्ति थे उनके जो राइट्स थे उनके अधिकार जो थे उनके अधिकार उसके अंदर इन्फ्रिंज हुए उनके अधिकार जो है उनके अधिकार यहां पर आपको कम हुए तो उन लोगों के जो अधिकार है उन लोगों के अधिकारों को बढ़ाने के लिए उनके अधिकारी है उनके राइट्स हैं उनको आगे लाने के लिए उन्होंने जो परमानेंट सेटलमेंट है उस परमानेंट सेटलमेंट का यहाँ पर आपको तो विरोध किया कि इसके कारण जो गरीब मजदूर किसान है वो व्यक्ति यहाँ पर आपको दिख रहा है उसके कारण जो जमींदार लोगों का शोषण हुआ उसका भी एक तरीके से उन्होंने यहाँ पर आपको तो विरोध किया तो दोनों चीजों को उन्होंने यहाँ पर आपको देखा जो तो व्यक्ति कहने का मतलब है कि जो भी व्यक्ति शोषित था जो भी व्यक्ति एक्सप्लाइटेड था उस एक्सप्लॉयटेड व्यक्ति की जो आवाज है चाहे वो महिला हो चाहे वो जमींदार हो चाहे वो किसान हो चाहे वो कोई भी हो उनके अधिकारों की हमेशा उन्होंने यहाँ पर आपको बात की ठीक है तो ये उनकी कुछ फिलोसफीज हुआ करती थी उसके बाद उन्होंने जो वर्कर और पीजेंट्स हैं इनकी भी यहाँ पर बात की कि इनका भी सेटलमेंट होना चाहिए इनको भी यहां पर आपको चीजों का फायदा मिलना चाहिए उसके बाद ही वॉज द ग्रेटेस्ट सपोर्टर ऑफ द मॉडर्नाइजेशन आधुनिकीकरण जो था उस आधुनिकीकरण का भी उन्होंने यहाँ पर सपोर्ट किया कि जो ब्रिटिश भारत में जब आए हैं तब से भारत के अंदर जो मॉडर्नाइजेशन या आधुनिकीकरण यहां पर

उनका इंप्लीमेंटेशन उनका जो आ, इनका जो उनका इंप्लीमेंटेशन को क्या बोलेंगे उनका जो उपयोग है इंप्लीमेंट है वो आपको इंप्लीमेंट करना है तो विचारक तो अपने विचार रख के चला जाएगा इसलिए गांधी जी, जी जो है ये वह तो पॉलिटिकल थिंकर राजनीतिक चिंतक थे कि उन्होंने अपने विचार रखे अपनी फिलोसफी रखी अपने विचार रखे और उनको इंप्लीमेंट करने के लिए काम भी किया ना इन्ह ने भी किया ऐसी बात नहीं है लेकिन उन्होंने जो राजनीतिक विचार थे या राजनीतिक विचारों को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई काम नहीं किया सामाजिक विचारों को इम्प्लीमेंट करने के लिए बड़े काम किए स्कूल स्टैब्लिश किए व्यूमन राइट्स के बारे में इन तमाम चीजों के बारे में बात की समझ रहा हूँ ना क्या बताना चाह रहा हूँ तो उन्होंने कभी भी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है उसकी यहाँ पे वकालत की और उनका बोलना है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म जब आएगा संविधान का तभी जाके प्रेस प्रेस फ्रीडम फ्रीडम ऑफ पर या की यहां पर आपको आएगी उनका बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट था वो बोलते डिक्टेटर एंड एनिमीज ऑफ फ्रीडम कुड नॉट बी सक्सेड कि फ्रीडम के या आजादी के जो डिक्टेटर हैं आजादी के जो तानाशाह हैं जो आजादी को दबाना चाहते हैं वो व्यक्ति कभी भी सक्सेस नहीं हो पाता अब एक बार सोचो इस स्टेटमेंट को फिर से पढ़ो डिक्टेटर एंड एनिमी ऑफ फ्रीडम कुड नॉट बी सक्सीड तानाशाह और स्वतंत्रता के आ, स्वतंत्रता के दुश्मन है ना आ, कभी भी सफल नहीं हो सकते हिंदी में थोड़ा गलत हो गया वो तो आ, उसका है कि आ, जो आपके स्वतंत्रता के जो दुश्मन है वो तो स्वतंत्रता के दुश्मन कभी सफल नहीं हो सकते जो तानाशाह व्यक्ति हैं तो स्वतंत्रता के तानाशाह और जो दुश्मन है वो कभी सफल नहीं हो सकते ये आज के टाइम भी है कोई भी व्यक्ति अगर दबाने की कोशिश करेगा आपकी फ्रीडम को आपकी स्वतंत्रता को दबाने की कोशिश करेगा तो ही कुड नॉट बी सक्सीड वो सफल यहाँ पर आपको नहीं हो सकेगा तो एक इम्पॉर्टेंट व्यू पॉइंट उन्होंने यहाँ पर रखा प्रेस फ्रीडम के दोनों तो ने यहाँ पर आपको बात नहीं की अब सबसे बड़ा जो विषय उस समय था वो था प्रेस वो था संपत्ति के बारे में प्रॉपर्टी के बारे में कि प्रॉपर्टी के बारे में क्या कर सकते हैं संपत्ति के बारे में क्या कर सकते हैं क्योंकि तीन जो जॉन लॉक ने तो लेकर ले 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 शुरू से यहां पर आपको नियम थे बाप अपनी संपत्ति बेटे को यहाँ पर आपको देता है आगे ट्रांसफर करता है अपने बेचों के बीच में डिवाइड यहां पर आपको करता है वो राजा है तो मरने के बाद अपने बड़े बेटे को अपना राज्य यहाँ पर आपको सौंपता है तो संपत्ति का जो

तो दाग करके एक राइटर हुआ करते थे उनकी किताब थी जीमूत वाहन ठीक है उसका उन्होंने यहां पर आपको रेफरेंस लिया और उसमें उन्होंने लिखा कि पिता अपने पुत्र की सहमति के बिना अपनी संपत्ति बेच सकता है लेकिन नैतिक रूप से व्यक्ति की संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता उनका बोलना कि पिता जो है वो अपने बच्चों से पूछे बिना प्रॉपर्टी बेच सकता है तो ये भारत मतलब जो स्पेशली हिंदू के अंदर ये संपत्ति का अधिकार शुरू से नियमों के अंदर आपको था कि बाप जो है वो अपने बेटों को संपत्ति ट्रांसफर करेगा लेकिन अगर पिताजी अगर संपत्ति बेचना चाहे तो संपत्ति को यहां पर आपको बेच भी यहां पर आपको सकते हैं ठीक है उसके बाद उन्होंने बोला कि व्यक्ति की संपत्ति के अधिकार उल्लंघन नहीं कर सकता किसी व्यक्ति तो की लेकिन किसी की संपत्ति का उल्लंघन भी नहीं कर सकता तो दोनों चीजें उन्होंने पर आपको बोली कि पिता संपत्ति अपनी मर्जी से जिसकी संपत्ति है, है वो उसको सेल कर सकता है उसको बेच सकता है लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार जो है उसकी अवहेलना नहीं कर सकता जब तक संपत्ति आपके पास नहीं आई है तब तक आपके पास संपत्ति के अधिकार नहीं जैसे मेरे पिताजी के पास बहुत जमीन होगी है ना नहीं है एग्जाम्पल की उनका जमीन है जितनी भी जमीन है वो जमीन वो बेच सकते हैं वो सेल कर सकते हैं तो मैं उसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकता ठीक है अभी के समय तो क्लेम नहीं कर सकता कि मेरी संपत्ति है अगर वो वो बाद में ये नियम आ गया कि पैतृक संपत्ति है उसको लेके आप क्लेम कर सकते हैं पिता खुद के के द्वारा द्वारा खुद अर्न की गई संपत्ति है उस पर आप अधिकार नहीं कर सकते जैसे मेरे दादाजी की जो जमीन थी जो मेरे पिताजी को मिली थी तो मैं उस पर क्लेम कर सकता हूँ कि नहीं आप इस जमीन को नहीं बेच सकते या मेरे उसको मेरा इसके ऊपर सोल राइट है मेरा अधिकार इसके ऊपर है लेकिन पिताजी ने खुद ने जो अर्न की है उस पर मेरा कोई अधिकार यहाँ पर आपको नहीं है तो पहले उन्होंने यहां पर आपको बोला कि व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार हैं उसकी रक्षा होना चाहिए उसके बाद जो पिता है वो अपनी संपत्ति है कोई भी व्यक्ति जो संपत्ति का ऑनर है वो अपने बेटों से या किसी से पूछे बिना अपनी संपत्ति को यहां पर आपको सेल भी कर सकता है तो ये जीमूत वाहन जो था उसके अंदर राइट टू प्रॉपर्टी यहां पे लिखा गया अब यहां पर भी बहुत ज्यादा कोई वुमन राइट्स के बारे में महिलाओं की संपत्ति के अधिकारों के बारे में बात नहीं की गई क्योंकि तो इस समय तक भी जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को पराया धन ही समझा जाता था आज भी समझा जाता है तो महिलाओं को पराया धन समझा जाता था कि कोई पराया धन यहां पर है कि कल से किसी और घर में यहां पर आपको जाएगी और वही थिंकिंग आगे जाके सती प्रथा की नींव यहां पर आपको बनी कैसे बनी है ना क्योंकि तो कोई जैसे किसी व्यक्ति की एक्स व्यक्ति की वाई लड़की से यहां पर आपको शादी हो गई अब अगर पति की डेथ हो जाती पति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो संपत्ति का अधिकार है वो उसकी पत्नी को मिलना चाहिए उसकी जो अर्धांगिनी है उसको मिलता था तो उसी अगर महिला को हमने सती कर दिया उसी को हमने बोल दिया कि नहीं पति मर गया आप तुम जी के क्या करोगी है ना तो तुम सती पर बैठ जाओ तो उस व्यक्ति महिला को अगर सती पर बैठा दिया तो संपत्ति का कोई अधिकारी बचेगा नहीं ऐसे केस में क्या होगा ऐसे केस में उसके जो दूसरे परिवार वाले लोग हैं वो संपत्ति उस महिला की संपत्ति जो अपने नाम कर लेंगे तो कई बार प्रॉपर्टीज वगैरह को गेन करने के लिए महिलाओं को सती करना शुरू किया और बाद में प्रथा यहाँ पर आपको बंद हो गई जब सती प्रथा का विरोध करते थे तो बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर आपको रखते थे ठीक है वो बोलते थे कि जो जैसे भगवान जो दशरथ की जब डेथ हुई तो दशरथ की डेथ के बाद जो राजा दशरथ थे राम जी के पिता उनके जब अशर जी की डेथ हुई तो उनकी तीनों जो पत्नियां थी उन पीन तीनों पत्नियों ने सती यहां पर आपको नहीं किया ससुर कि तो उनके उनके थे मल्हाराव होलकर उन्होंने उनको सती होने से यहां पर आपको बचाया था ऐसे तमाम एग्जाम्पल थे जहां पर जो बड़ी फैमिलीज हैं या जो महिलाएं वो सती नहीं होती स्पेशली राजघराने के अंदर महिलाएं सती नहीं होती थी अब देखो याद रखने कि जोहर और सती दो अलग अलग चीजें जोहर किसी पॉलिटिकल रीजन से किया जाता है और सती जो है वो एक पर्सनल रीजन से एक व्यक्तिगत कारण से किया जाता है तो पहले लोग जो जोहर जो है उसको भी सती कहते थे तो बाद में इन्होंने ये सिद्ध किया ये अपनी जो थ्योरीज थे उनके माध्यम से सिद्ध किया कि जो सती है, है ना वो एक इंडिविजुअल इंडिविजुअल एक डिसीजन यहां पर है जबकि जो जोहर है वो एक राजनीतिक डिसीजन होता है कि अगर अब किसी ने हमला ही कर दिया तो आ, 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 परिवार के सभी मेल मारे गए अब जो आक्रांता है वो हमको उठा के ले जाएगा जीवन जो है वो नक से भी बदतर हो जाएगा ist sehr schön मरी जाते हैं यहां पर डैथी यहां पर आपको हो जाए तो इसलिए महिलाएं जो है वो सती करती थी तो ये बेसिक अंतर उसके अंदर यहाँ पर आपको याद रखना तो प्रॉपर्टी के राइट की बात की उसके बाद उन्होंने फ्रीडम के बारे में यहाँ पर आपको बात की है ना उन्होंने फ्रीडम के बारे में हमेशा आपको अप्रिशिएट किया कि देश के अंदर जो है वो फ्रीडम भारत को यहाँ पर आपको हासिल करना चाहिए उनका बोलना था कि लिबर्टी जो फ्रेंच उस समय मतलब सेवनटीन में जब फ्रेंच रिवोलूशन हुआ तो लिबर्टी इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी ये तीनों कंसेप्ट यहां पर आपको आए और उसको लेके उन्होंने बोला कि ये लिबर्टी लिबर्टीटी और फ्रटर्निटी ये आकर जो

मेल और फीमेल मतलब एक तरीके से जेंडर इक्वालिटी फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ थाट आपके फ्रीडम ऑफ कंसाइज फ्रीडम ऑफ फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन फ्रीडम टू वॉन डिसोबे है ना फ्रीडम टू वॉन्ट डिसोबो किसी चीज को डिसोबे यहां पे करना अधिकारों या कोई भी जो सरकार का आदेश है उसको मानने से मना करना इन तमाम प्रकार के जो अधिकार हैं उन अधिकारों के लिए उन राइट्स के लिए उन्होंने यहां पे आवाज यहाँ पे उठाई कि सभी अधिकार आपको होना चाहिए और उन्हीं अधिकारों के अंदर आता है फ्रीडम ऑफ प्रेस या प्रेस का यहाँ पे अधिकार है ठीक है उनका यहां पे बोलना था कि जैसे अभी बोलते हैं ना कि द प्रेस इज कॉल्ड द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है तो सबसे पहले एडमंड बर्के नाम के एक आ, सोशल साइंटिस्ट थे एक सामाजिक विचारक थे सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर आपको बोला था कि जो प्रेस है वो प्रेस है एक तरीके से तो फोर्थ पिलर आपके डेमोक्रेसी का लोकतंत्र का चौथा यहाँ पे पिलर है ये किसी भी शासन का कि स्टेट के तीन ऑर्गन्स होते हैं है ना जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर और चौथा होता है वो प्रेस होता है तो उनका ऐसे नहीं कि मतलब डेमोक्रेसी के अंदर ही सभी प्रकार के तंत्र में सभी प्रकार के राज्यों के अंदर ये चार चीजें आपको होती तो उन्होंने बोला कि जो प्रेस है ये तो फोर्थ फौर, स्तंभ या चौथा स्तंभ यहाँ पर आपको होता है एडमंड बके का ये जो स्टेटमेंट था इस स्टेटमेंट का उन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पे समर्थन उनका समर्थन यहाँ पर आपको किया उसके बाद इनका जो न्यूज था उसका नाम था संवाद कॉमेडी है ना वो बंगाली में उन्होंने लिखा फिर मेराथुल अकबर करके एक पेपर था जो पर्षन में हुआ करता था इन सभी न्यूज़पेपर में उन्होंने एक फ्रीडम तरीके से आजाद तरीके से अपने व्यूज को लिखना शुरू किया एंड ड्यू टू दैट रीजन इनके जो न्यूज़पेपर्स थे वो लंबे समय तक चल नहीं पाए बार बार न्यूज़पेपर सीज हो जाता था बार बार न्यूज़पेपर के ऊपर जो कंट्रोल है उसके ऊपर यहां पर आपको कंट्रोल किसी और का हो जाता मतलब एक तरीके से वो सरकार उनको यहाँ पर आपको बंद कर देती थी ठीक है उनका यहाँ पर आपको बोलना था बहुत अच्छा स्टेटमेंट है द फ्रीडम ऑफ प्रेस डिड नॉट गिव बर्थ टू द रिवोल्यूशन वेल द रिवोल्यूशन बॉर्न विद इन द प्रेस अच्छा स्टेटमेंट है कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो क्रांति को जन्म नहीं देती बल्कि क्रांतियों ने वही जन्म लिया कि क्रांतियां कहां से प्रेस से पैदा होती है ना प्रेस की स्वतंत्र प्रेस को फ्रीडम मिल गई उससे क्रांति नहीं आएगी प्रेस के अंदर विद इन द प्रेस जो है वो क्रांतियां यहां पर आपको जन्म ली थी तमाम क्रांति अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया ये किताबों ये न्यूज़पेपर्स के माध्यम से आपको आया है है ना भारत की आजादी का जो आंदोलन था वो भी न्यूज के माध्यम से आया न्यूज पेपर्स में जब चीजें लिखी जाती लोग उनको पढ़ते थे उनको समझते थे और उसके हिसाब से अपने विचारों को डेवलप करते थे अपने विचारों को विकसित करते थे तो प्रेस की स्वतंत्रता है वो क्रांति को जन्म नहीं देती बल्कि क्रांतियों ने वही जन्म लिया कि फ्रीडम जो है या फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है उन्हीं के कारण रिवोल्यूशन उन्हीं के कारण जो क्रांतियां है, क्रांतियां हैं वो यहां पर आपको होती है तो ये कुछ विचार राजा राम मोहन रॉय ने फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेकर रखे प्रॉपर्टी को लेकर रखे या वुमन राइट्स को लेकर रखे अब एजुकेशन पे उनके जो व्यू हैं पहले मैं आपको बता चुका हूं कि ये हमेशा जो वेस्टर्न एजुकेशन है उस वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट करते थे उन्होंने खुद ने जो जैसे वेद हैं या उपनिषद हैं तो उनको संस्कृत में पढ़ा जो, जो बाइबल था बाइबल को उन्होंने हिब्रू में पढ़ा या जो कुरान शरीफ था कुरान शरीफ को उन्होंने अरेबिक के अंदर यहाँ पे पढ़ा ठीक है फिर जो जो क्रिश्चियनिटी है उसके अंदर ओल्ड टेस्टामेंट हुआ करता था दो तरह के टेस्टामेंट्स ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट ओल्ड टेस्टामेंट मतलब पुरानी जो स्टोरीज यहाँ पर है क्योंकि जीजस के पहले भी क्रिस्चानिटी ऐसा धर्म हुआ करते थे तो वो ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट जो हिब्रू में लिखे गए हैं न्यू टेस्टामेंट ग्रीक और लैटिन में लिखे गए थे तो ग्रीक लैटिन भी सीखी न्यू टेस्टामेंट के लिए और ओल्ड टेस्टामेंट के लिए उन्होंने आपका हिब्रू

उससे आप बाहर ला सकते हो तो एजुकेशन को एक टूल की तरह उन्होंने यहाँ पर देखा जो अंधेरे से या जो अन्याय से उससे लोगों को यहाँ पर आपको बाहर निकाल सकता है उसके बाद आ, उन्होंने बोला कि जो वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन है वो भारत के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि भारत की जो पुरानी फिलोसॉफी है भारत के पुराना जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें आ, बहुत मतलब संस्कृत के अंदर और बहुत ही आउटडेटेड चीजें यहाँ पर आपको लिखी हुई है है ना जैसे कोई भी कि अगर आर्यभट्ट हो गए या किसी तो उन्होंने फिलोसॉफीज लिखी लेकिन उनको मॉडर्न प्रिंसिपल के रूप में इंप्लीमेंट करना उस समय थोड़ा मुश्किल था आ, हो सकता था कि उस समय इंप्लीमेंट हो सकते थे लेकिन किसी ने कोशिश नहीं की जो भारतीयों की एक समस्या होती है कि जो भी रेडीमेड मटेरियल आपको मिल गया उसी से हम लोग काम चला लेते हैं हमको उसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है अगर किसी ने बोला कि नहीं सेब नीचे गिरता है तो सेब हमेशा से नीचे गिर रहा था यूरोपियन लोग उस थिंकिंग को या उस चीजों को यहाँ पर

एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब लिखी बंगाल के व्याकरण के ऊपर बंगाल के ग्रामर के ऊपर उसका नाम था तो गोड़िया व्याकरण तो उस समय क्या था कि जो बंगाली भाषा है वो बहुत ज्यादा स्कैटर्ड थी उसकी कोई प्रॉपर ग्रामर नहीं थी तो उन्होंने गोड़िया व्याकरण करके बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब लिखी जहां पर पूरे बंगाली बंगाली के जो ग्रामर है वो ग्रामर लिखी गई और बाद में इसी किताब को आगे जाके ईश्वर चंद्र ईश्वरचंद चंद्र विद्यासागर और बाद में गुरुदेव रविंद्र टैगोर हैं तो इन लोगों ने भी इसके अंदर कई सारा जो सुधार है इस गोड़िया व्याकरण के अंदर यहां पर आपको किया तो वो सब चीजें उन्होंने की वुमन राइट्स के बारे में तो ऑलरेडी हम लोग शुरू में बात कर चुके हैं 1829 में अठारह में विलियम बेंटिक जो थे है ना उस समय विलियम बेंटिक उधर के गवर्नर हुआ करते थे कल ग, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे तो उनको परचुएट करके उनको मना के उन्हें सती एबोलिशन एक्ट या सती के विरोध में जो कानून है वो कानून लेके आया जिसका बड़ा विरोध भी यहां पर हुआ और इतना विरोध हुआ कि विलियम बेंटिक और राजा राममोहन रॉय के खिलाफ

चाइल्ड मैरिज जो है उसके खिलाफ काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे विलियम बैठे तो राजा राम मोहन रॉय की हेल्प से या राजा राममोहन रॉय ने उनकी हेल्प से बड़े लेवल पर जो सामाजिक सुधार है उन सामाजिक सुधारों को करने की आश, आ, कोशिश की जिसमें सदी एबोलेशन जो है सबसे यहां पर आपको इंपॉर्टेंट यहां पर आपको होता है एक किताब हुआ करती थी नारी अधिकार पुस्तिका एन एनक्रोचमेंट ऑफ द एंशंट राइट ऑफ द फीमेल उसके अंदर उन्होंने यहां पर आपको बताया कई सारे एग्जाम्पल्स उन्होंने यहां पर आपको दिए उसमें उन्होंने बताया कि महिलाओं के अधिकारों के बारे में महिलाओं के राइट्स के बारे में कई सारे पुराने जो एंशियंट टैक्स हैं उनमें लिखा हुआ है नारी अधिकार पुस्तिका उन्होंने नारद कात्यायन विष्णु बृहस्पति इनके कई सारे एग्जाम्पल्स यहां

ना बहु विवाह हो सकती बहु पत्नी हो सकती है बहु पति नहीं हो सकते महाभारत की तरह तो उन्हें पॉलीगेमी का विरोध किया बंगाल में क्या था कि एक स्टोरी है बंगाल के अंदर कि एक अस्सी साल के एक वृद्ध ब्राह्मण थे और उनकी चौंतीस वाइफ थी थर्टी फोर वाइफ थी सबसे जो बड़ी वाइफ थी उसकी उम्र जो है वो सत्तर साल थी और सबसे जो जवान वाइफ थी उसकी उम्र जो है सिक्स ईयर थी छह साल यहां पर थी छह सात साल उसकी उम्र थी तो अगर ये अस्सी साल के व्यक्ति की जब डेथ होगी तो सत्तर साल से लेकर छह साल तक की जितनी भी लड़कियां हैं जितनी भी उनकी पत्नियां हैं सभी विधवा हो जाएंगी अब बेचारी छह साल की बच्ची ने देखा ही क्या है दुनिया के अंदर ठीक है वो तो ऐसे ही खेलते कूदते यहां पर आपको जीवन बता रही थी अचानक शादी हो गई और उस बूढ़े व्यक्ति के पास यहां पर आपको चली गई तो वो भी विधवा हो जाएगी तो उन्होंने तो पॉलीगेमी का यहां पर विरोध किया बहुविवाह जो है उस बहुविवाह का विरोध किया खैर खुद ने तीन शादियां की है न एक तो पत्नी के डेथ के बाद और एक बार में दो वाइफ उनकी जरूर थी तो उन्होंने पॉलीगेमी का विरोध किया लेकिन उनकी खुद की तू दो वाइफ थी ऐसे ही होता है जो ज्ञान देता है वो खुद यूज नहीं करता ठीक है ओके उसके बाद उन्होंने आइडलिट्री या मूर्ति पूजा का यहाँ पर आपको विरोध किया मूर्ति पूजा उन्होंने बोला कि मूर्ति पूजा जो है वो एक तरीके से हिंदू धर्म या बाकी जो सोसाइटी है उस सोसाइटी को एक तरीके से यहाँ पर उसको प्रभावित यहाँ पर आपको कर रहा है उसको आ, म, म, उसको इफेक्ट यहाँ पर आपको कर रहा है तो मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया उनका मानना है कि मूर्ति पूजा के कारण इंसान जो है वो कई तरह के अलग अलग भगवानों की पूजा करता है तो धर्म के अंदर जो केंद्रित है व्यक्ति केंद्रित नहीं हो सकता ये व्यक्ति का शोषण किया जाता है मूर्ति के नाम पर कि आज क्या हो गया बेटा पी में नौकरी नहीं लग रही जाओ जाके शनि की पूजा करवा लो अरे रे तुम्हारा तो शनि बहुत स्ट्रांग है है ना शनि की तो पूजा कराना पड़ेगी है ना शनि तो तुम्हारा स्ट्रांग है लेकिन जो बृहस्पति है वो तीसरे घर में बैठा है अगर चौथे घर में होगा तो तुम्हारी नौकरी लग जाएगी शनि बहुत है शनि उच्च पे बैठा हुआ है तो शनि को जो है शांत करना जरूरी है तुम्हारा तो राहु भी उच्च पे बैठा हुआ है शनि और राहु दोनों उच्च पे बैठे हैं ये तो बड़ी खतरनाक कंडीशन है बेटा जाओ शनि की पूजा करा के आओ तो हो जाएगा बेचारा शनि की पूजा करा के आएगा दो चार महीने होंगे फिर बोलेगा हाँ हाँ शनि तो तुम्हारा उतर गया कोई दिक्कत नहीं है अब सब ठीक है लेकिन ये शनि की जगह जो है वो मंगल आ गया है तो मंगल और राहु सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन है मंगल और राहु दोनों उच्च पे बैठे हैं तुम्हारा बृहस्पति अभी भी तीसरे घर में बैठा और बृहस्पति चौथे घर में होना चाहिए चौथे घर में जैसे ही बैठेगा तुम्हारी नौकरी लग जाएगी उसको क्या बताएं कि यहाँ पे जो है वो चौदह परसेंट और सत्ताईस परसेंट के चक्कर में यहाँ पे एग्जाम लटकी है जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है जो इंटरव्यू देने के लिए बैठे हैं वो इंटरव्यू नहीं दे पा रहे ये बृहस्पति वगैरह कुछ नहीं मुझे लगता है कि मध्यप्रदेश शासन और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं इनका गुरु बृहस्पति मंगल मंगल सब चेक कराना चाहिए उनकी शांति हो जाए उसके बाद शायद बच्चों का कुछ भला हो सका वो तीसरे घर में बैठा चौथे घर में बैठा उससे कुछ नहीं होता है सरकार कुछ नहीं कर रही बच्चा तो पढ़ रहा है ये पचपन बच्चे क्लास में भी यहाँ पर आपको लाइव है फिफ्टी बच्चे यहाँ पर आपको लाइव है ये सीरियस बच्चे हैं ये एग्जाम अभी बहुत दूर है इनको ये पता है कि पता है नहीं एग्जाम कब होगी दिसंबर जनवरी कब होगी लेकिन फिर भी पचपन बच्चे पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि इनको पढ़ना है इनको सिलेबस कंप्लीट करना है इनके अंदर एक होप है लेकिन सरकार का क्या जाता है सरकार बोलते ना कि आ, सरकार ऐसा एक स्टेटमेंट है कि सरकार जो है वो आ, एक हिंदी में शब्द है कि सरकार ऐसे बोलते हैं कि मतलब उसके बच्चे नहीं होते एक वर्ड है उसके लिए हिंदी में कि सरकार जो है उसके बच्चे नहीं होते ना सरकार की खुद की खुद संतानें पर आपको नहीं होती तो स्टेट जो है उसके संतानें तो यहाँ पर आपको होती नहीं है ठीक है तो अगर उसकी औलादे यहा नहीं होती तो तुम्हारा दर्द या तुम्हारा जो पेन है वो सरकार कभी नहीं समझ पाएगी ठीक है तो ये उन्होंने उसका विरोध यहाँ पे किया कि आजकल उससे कुछ नहीं होगा आजकल तो सरकार की शांति करवाना जरूरी है बच्चे तो यहां पर आपको पढ़ ही रहे अरे दादा डायरेक्ट ग्रुप में सबमिट करो ना बांझ है बांज, बांज, राइट बांज है <coughs> अच्छा मामा आदित्य क्या गए हैं आज तो रेल लेके रहेगा वो मामा जी बोले एक काम करो वो मामा जी वो, मामा जी वो भी खिलौने वाली गाड़ी चलाई थी ना भोपाल के अंदर बच्चों को खिलौने पाटे थे एक आध पड़ा हुआ खिलौना तो वो रेल वाला खिलौना आदित्य को पकड़ा देंगे लो बेटा खेलते रहो उससे ठीक है तो मूर्ति पूजा का उन्होंने यहाँ पर आपको विरोध किया तो ये तमाम जो आ, आ, जो फिलोसोफीज हैं

डाइनेस्टीज थी उनके बारे में बात की थी तो ये डायनेस्टी ऑफ मध्यप्रदेश का जो कोर्स है वो आज से ही शुरू हुआ है पेपर नंबर तीन का कोर्स चल रहा है जो सात तारीख से शुरू हुआ है और इसके अंदर सात तारीख से नहीं ये चार पांच लेक्चर इसमें हो चुके हैं यूनिट नंबर जो वन है फिजिक्स वो उसके अंदर चल रहा है इसमें पूरा पेपर नंबर थ्री जो दसो यूनिट है दस यूनिट हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं फिर एमपी थ्रू डिस्ट्रिक्ट का जो कोर्स है वो आपके दिसंबर के अंदर यहाँ पे आने वाला है हो सकता है दिसंबर के पहले भी आपको आ जाए ठीक है डिपेंड करता है तो ये तमाम कोर्सेज जो है अभी के समय पर आपको चल रहे हैं और इन सभी कोर्सेज के लिए सिंपली यू कैन यूज माई कोर्ट पवन लाइफ और इस कोड का उपयोग अगर आप करेंगे तो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के ऊपर 10 परसेंट का डिस्काउंट यहां पर आपको मिल जाएगा तो कई सारे कोर्सेज अभी और आने वाले हैं है ना इस बार थोड़ा सा मैं छोटे छोटे कोर्सेज के माध्यम से सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा जैसे अभी यूनिट नंबर फाइव का कोर्स आया है उसके बाद यूनिट नंबर जो फोर है उसका कोर्स आएगा फिर पेपर आ, वन में पेपर वन में ही जो सेकेंड पार्ट में यूनिट नंबर थ्री है एम पी जोग्राफी उसका कोर्स आएगा फिर यूनिट नंबर जो थ्री टू है पेपर टू के पार्ट बी में उसका एमपी इकोनॉमी का कोर्स आएगा तो ऐसे कई सारे तमाम कोर्सेज जो इंडिविजुअल कोर्सेज के माध्यम से हम फिर से आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करने वाले हैं ठीक है चलिए तो यूज़ कोड पवन लाइव एंड टेक अ प्लस सब्सक्रिप्शन तीन साल से छोटे बच्चों का टिकट फ्री है तो आदित्य का भी फ्री होगा ना चलिए So that's how this lecture